हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट लेकर के जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले मेरे प्यारे, आइए हम लोग क्या करते चलते देखते। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेकंड स्टेप के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेप में हम कैसे बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट बहुत ही आप लोगों का इनक्रेडिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी चार्ट के सहारे आप सेकंड स्टेप को, यानी जो सेकंड स्टेप के अंतर्गत सेंटेंसेस आ जाए जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक हर एक डाउट्स को आपको क्या कर दिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। यानी कोई भी समस्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आएगी ही नहीं, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो भी समस्या आपके पास आ रही, तो एक भी पार्ट, एक भी समस्या आपके पास नहीं आएगा। केवल इसके अध्ययन करने के बाद केवल आप सही तरीके से अध्ययन कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लेकर के बैठ जाइए और देखिए कितना गहराई से आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का नियम बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर आपका सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच में, अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, कि अगर हमारा सेंटेंसेस किसके अंतर्गत, अगर हमारा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे प्यारे, कि हमने पढ़ा था आरबी और आरएस के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? आरबी और आरएस के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अभी हमने जो सेंटेंसेस फर्स्ट पार्ट में पढ़े तो वो आरबी जो आ रहा था तो वो प्रेजेंट टेंस में आ रहा था, यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा था और उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर लेते। लेकिन अब जो, जब हमारा, कि जो हमारा आरबी है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें सबसे पहले हम आरएस को देखेंगे और आरएस में ये चीजें दिख रहा है। आरएस का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये दिख रहा है आपको, जैसे कि आपको डू या डस दिख गया, आपको इज आर एम दिख गया, आपको हैज और हैव दिख गया, आपको हैज बीन, हैव बीन, और टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हियर, दिस, दिस, नाउ, आफ्टर, कम, अगर ये सारे वर्ड्स हमारे किस में दिख रहे हैं, आरएस में दिख रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप फर्स्ट स्टेप की तरह, जैसे कि प्रेजेंट के टेंस के अंतर्गत जो हमारा आरबी आ रहा था उसके अंतर्गत चेंज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आप जो चेंजिंग करेंगे वो आपका रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे, तो इस चार्ट को पढ़ना जरूरी है। अगर आपको आरएस में, जब आपका आरबी पास्ट टेंस में आ रहा है, अगर आरएस में ये चीजें, जैसे कि आपका डू और डज दिख रहा है, तो इसको किस में हम चेंज करेंगे, डिड में बदल देंगे। हमारा इज आर एम दिख रहा है तो वाज और वेयर में चेंज कर देंगे। उसी तरीके से अगर टुडे आ रहा है तो उसको हम दैट डे में चेंज करेंगे। टुमारो आ रहा है, नेक्स्ट डेज में चेंज हो जाएगा। स्टडी आ रहा है, प्रीवियस डेज में चला जाएगा। हियर आ रहा, दियर में चेंज हो जाएगा। दिस है तो दैट में चेंज होगा। दीज है तो दोज में चेंज होगा। अर्थात यह भी हमारा किस में चेंज होगा, पास्ट में। यानी किसमें हो जाएगा, पास्ट में। यानी कहने का मतलब कि अगर आरबी आपका पास्ट टेंस का है तो आपका आरएस भी किसमें होना चाहिए, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। यही यह रूल क्या करेगा, बताएगा। ठीक मेरे प्यारे, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए इसे, क्योंकि यह आपका महत्वपूर्ण और इसे याद करना जरूरी है। इसे याद करना क्या जरूरी है, कि अगर वाज और वे आज आ रहा है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे। कब, यानी किसका, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का आरएस में आपका क्या, वाज और वे दिख रहा है तो उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे, विल दिख रहा है तो वुड में चेंज कर देंगे, शैल दिख रहा है शुड में चेंज कर देंगे, कैट दिख रहा है तो कुड में चेंज करेंगे, इसी प्रकार से ए। यानी इसको आपको याद करना क्या, कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी आपका सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंसेस को आप आसानी से बदल देंगे। किस में बदल देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट जाकर के आप लोग देख लीजिए, पीछे टोटल आपको पूरा का पूरा डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्लीज राइट योर कॉपी माय डियर। तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जांपल के तरफ, देखते हैं रूल के तरफ। तो हम देखते हैं किस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चले बेटा, अगर इसके, यानी सेकेंड स्टेप के अंतर्गत अगर आपका सेंटेंस, यानी आरबी में आपका क्या दिख रहा है मेरे प्यारे, सेट टू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेट टू दिखेगा, आपको उसको तुरंत बदल देना। और किस में बदल देना मेरे प्यारे, टोल्ड में। किस में बदल देना है, टोल्ड में। अगर आपका कामा और इन्वर्टेड कामा आपको दिख रहा है, किसको हम किस में चेंज कर देंगे, दैट में। किस में चेंज कर देंगे, दैट में चेंज किया जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो होगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो होगा, तो हमने कहा कि अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के। अगर सेकेंड पर्सन होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट का। अगर आपका थर्ड पर्सन होगा तो इसमें कोई भी चेंजेस
नहीं होगा। इसी रूल को हम लोगों को क्या करना है, लेकर के आगे चलना है। और जो अभी मैंने आपको चार्ट बताया, उस चार्ट के अंतर्गत अगर आपका कोई भी वर्ड्स आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, चेंजेस कर देंगे। कैसे मेरे प्यारे, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे, एक एग्जांपल को देखते हैं। और एग्जांपल है क्या, वह एग्जांपल है क्या, जैसे मैंने बोला क्या, कौन यानी ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर अ गुड टीचर। इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये है डायरेक्ट स्पीच। क्या मेरे प्यारे, डायरेक्ट। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यानी वह मुझसे कहता था, क्या कहता था भाई, यू आर अ गुड टीचर, तुम एक अच्छे टीचर्स हो। क्या मेरे प्यारे, एक अच्छे टीचर्स हो। बात ये है ना, जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब ध्यान देखिएगा, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। और ए आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या, वाज, आई वाज अ गुड टीचर, क्या हो जाएगा मेरे बारे, बाकी सब से मुताल हो। ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या करेंगे मेरे प्यारे, कन्वर्ट करेंगे। और किसमें कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस से समय क्या कह रहा मेरे प्यारे, ही सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, फिर क्या कहा, आई विल लीव यू नाउ। ये हमारा क्या, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये हमारा क्या, डायरेक्ट स्पीच है। क्या है, डायरेक्ट है। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे, आइए हम लोग देखते हैं कि सेट टू को किसमें चेंजेस कर देंगे, टोल्ड में। किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड देम दैट, इन्वर्टेड कामा हटा, क्या हो गया मेरे प्यारे, दैट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये आई कौन सा पर्सन दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन के अनुसार, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही, क्या हो जाएगा, ही। और ए विल किसमें चेंज हो जाएगा आपका, वुड में, किसमें चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे, वुड, क्या हो जाएगा, ही लिव वुड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर लगा उतार लीजिए, क्या उतार लीजिए, लीव उतार लेंगे मेरे प्यारे। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, जो अब देखेंगे तो हमारा कहने का मतलब, अब जो क्या सेकेंड है ना, तो इसके अनुसार आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे, देम हो जाएगा। और नाउ किसमें चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे, बताइए ध्यान से, नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे, इनडायरेक्ट होगा। और इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आसानी से आप क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो आइए, जैसे मैं एक सेंटेंसेस और आपको बताया जा रहा है, एक सेंटेंसेस और बताया जा रहा है, जैसे मैंने बोला क्या कि राम सेटो सीता कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू डेली टुडे इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये है किसका स्टेट, डायरेक्ट का, किसका मेरे प्यारे, डायरेक्ट का। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आइए यहां पर हमने सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में, तो हो जाएगा राम टोल्ड सीता। अब ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट है, इसके अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ही। अब आई एम किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज में, ही वॉज गोइंग टू डेली। अब टूडे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में, किसमें हो जाएगा, दैट डे में। और ए आपका क्या बन गया मेरे प्यारे, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन के करने के बाद उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए फिर से आपसे मैं मिलूंगा अगले नेक्स्ट पार्ट में, इसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए अगले वीडियोज का। धन्यवाद मेरे प्यारे।